आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों का सपना था कि देश के हर एक नागरिक को एक समान अधिकार मिले, उनमें उनकी बराबर की हिस्सेदारी हो। लेकिन आज़ादी के बाद नेताओं की गंदी राजनीति ने उनके सपने को अधूरा छोड़ दिया। मामला सिवान जिले से है, जहाँ के एक गांव को पिछले 19 सालों से पंचायत स्तर पर मिलने वाली सरकारी सुविधाएं नसीब नहीं हुई है। दरअसल सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के जगदीशपुर गांव को 2001 में महाराजगंज नगर पंचायत के गठन होने के बाद इस गांव को न तो नगर पंचायत में शामिल किया गया और न ही किसी पंचायत में, जिसके बाद से गांव के लोगों ने अभी तक पंचायत चुनाव में वोट नहीं डाला है और ना ही इन्हें कोई जनप्रतिनिधि मिला है। खास बात तो यह है कि पंचायत स्तर पर होने वाला कोई भी विकास इस गांव में नहीं हुआ है। यहाँ तक कि इस गांव के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन योजना, शौचालय, इंदिरा आवास योजना, मनरेगा योजना, नल जल योजना सहित पंचायत स्तर पर होने वाला कोई भी विकास का कार्य नसीब नहीं हो सका है। खास बात है कि इस एक तरफ जहाँ सरकार कोरोना से बचाव के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, तो वहीं इस गांव के लोगों को एक पैसे का लाभ भी नहीं मिल पाया है। मास्क, सैनिटाइजर, साबुन देने की बात कौन कहे, इस गांव में जागरूक करने के लिए भी कोई नहीं आ पाया है। इस गांव के लोगों को सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ही वोट देने का अधिकार है, लेकिन पंचायत या नगर पंचायत के चुनाव में नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि महाराजगंज के पूर्व सांसद स्वर्गीय उमा शंकर सिंह इस गांव को अपना गांव बताते थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। पिछले साल 2019 गांव को करीब 8 किलोमीटर दूर टेघड़ा पंचायत से जोड़ा गया था, लेकिन जुड़ने के एक वर्ष बाद भी अभी तक विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखा पाया है। देखिए, दरअसल मुद्दा ये है इस गांव का कि ये गांव जगदीशपुर है, महाराजगंज थाना अंतर्गत आता है, प्रखंड महाराजगंज है। अनुमंडल मुख्यालय से महज 22.5 किलोमीटर है, रोड घूम कर कहेंगे तो 2 किलोमीटर की दूरी है ये जगदीशपुर गांव। इस गांव की अभी वर्तमान स्थिति यह है कि इस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत से एक आवास नहीं बना किसी व्यक्ति को, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत चलने वाले कार्यक्रम में शौचालय योजना था, उसमें एक भी व्यक्ति को शौचालय का निर्माण यहां नहीं हुआ किसी के घर में। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अभी COVID-19 को लेकर के पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा हुआ था, हर गांव को हर व्यक्ति को इसमें जागरूक किया गया था, सरकार का एक भी कोई चपरासी तक इस गांव में नहीं आया प्रचार करने के लिए, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। और मुख्यमंत्री बोले थे, नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट था कि हर व्यक्ति को 4 मास्क और 1 साबुन देना। सुनने में आया 1 साल पहले कि ये टेघड़ा पंचायत में जुट गया, जो यहां से 8 किलोमीटर की दूरी पे है, खैर कहीं जुट गया कोई दिक्कत नहीं है। मुखिया जी आज तक आए नहीं, कुछ नहीं किए इस गांव के लिए और न सरकारी तंत्र किया। अब सरकार को दोषारोपण करूं कि यहां के विधायक का दोषारोपण करूं कि सांसद का दोषारोपण करूं, किसको करूं? और 100 घर एक ही राजपूत है, यहां टोटल क्षत्रियों का गांव है, लेकिन फिर सरकारी योजना यहां वंचित क्यों है? अब घड़ी किधर घुमाऊं, किसको दोषारोपण करूं? ये इस आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इतनी योजनाओं का कोई लाभ इस गांव को नहीं मिला है। अच्छा, आपको का आपका कहना है कि ये इधर के दिनों में मुख्य पंचायत से जुड़ा, उसके पहले कहाँ था ये गांव? यही तो मैं बता रहा हूँ कि जब से 2001 में नगर पंचायत का चुनाव हुआ, नगर पंचायत का गठन हुआ, 2001 में नगर पंचायत का जब गठन हुआ, उस समय इस गांव को लोग छोड़ दिया। पता नहीं इस गांव से क्या एलर्जी थी, प्रशासनिक लोगों को क्या एलर्जी थी। हम तो ये कहते हैं कि जो 2001 में जो अधिकारी नगर पंचायत का घोषणा किया, उसी में उस लोगों पर FIR होना चाहिए, उन लोगों को जेल में डालना चाहिए कि लिया क्यों नहीं। और 2001 से लेकर के 18 साल तक हुआ, नगर पंचायत में नहीं ऐड किया गया, और पंचायत में जब जोड़ा गया 1 साल पहले, तो फिर वो काम अधूरा क्यों, इसलिए उनको पर FIR होना चाहिए। यानी कि 2001 से लेकर 2018 तक, 2019 तक के गांव न तो पंचायत में है और न ही नगर पंचायत में रहा है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। और मैं अब हंस के यदि कह दूं तो कभी कभी यहाँ के एक यहाँ से खास लगाव रहा उमा शंकर सिंह, स्वर्गीय उमा शंकर सिंह जो सांसद थे, वो कहते थे कि ये गांव मेरे हिस्से में रहेगा, लेकिन विकास का नाम का कोई चीज नहीं हुआ है यहाँ पे। नाम बताइए। दिलीप कुमार सिंह। वजह है कि जब से हम लोग का होश हुआ है यहाँ पर राजनीति में, तो सब हम लोग मुखिया और
ना नगर निकाय का कोई चुनाव कहीं पर ले पर तो वोट नहीं हुआ है। हम सोचते हैं कि जब वो नहीं होता है तो विधानसभा लोकसभा फिर कैसे हो जाता है। उसके लिए जब सरकार के पास में वो लिस्ट में नहीं था ये, तो उसमें कैसे आ गया। दूसरी बात कि चुनाव तो आता है MLA और विधानसभा का तो लोग वोट मांग लेता है, बाद में गांव के लोग पूछते हैं तो हम लोग के पास कोई जवाब नहीं जुटता है। अगली बार कुछ गांव के लोग बोला है सब राय होगा तो वोट विधानसभा का यदि विकास नहीं होगा चाहे पंचायत में ना या वार्ड में कहीं नहीं जोड़ेगा तो गांव का लोग बहिष्कार करेगा। हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ केवल माने जब वोट आता है तो सांसद MP आते हैं और विकास के नाम पर ठगे जाते हैं हम लोग। हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। हम लोग कीचड़ में रहते हैं, कीचड़ में ही इस तरह अगल बगल घर के अगल बगल कीचड़ ही फैलता है और फैला हुआ है यहाँ पर। यही तो दुर्भाग्य है, हम लोग नगर पंचायत में है न पंचायत में है। तो फिर कैसे गांव का विकास होता है? कुछ नहीं, विकास क्या हुआ है इसमें, विकास क्या हुआ है? और आज तक 2001 से लेकर 2020 तक हम लोग कभी भी न पंचायत में न ही वार्ड में न नगर पंचायत में हम लोग वोट नहीं किए हैं, जिसके वजह से हम लोग को जो भी सरकारी लाभ मिलता है बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है वो लाभ हम लोग को नहीं मिल पाया है। जिसके वजह से ना हम लोग के गांव में सड़क है, ना नाली है, ना नल जल का लाभ मिला है और ना ही और कोई विकास हुआ है। तो जैसे कोरोना काल में चल रहा था, सरकार बहुत अभियान चला करके लोगों को जागरूक कर रही है, मास्क सैनिटाइजर साबुन का वितरण कर रही थी, आपके गाँव में मिला? हम लोग के गांव में नहीं मिला है, न ही वार्ड से मिला, न पंचायत से मिला है, किसी भी पंचायत से, न ही बिहार सरकार के कोई कर्मचारी, न ब्लॉक स्तर से, न जिला स्तर से आए। हम लोग खुद स्वयं मास्क और सैनिटाइजर खरीद के अपना सुरक्षा हम लोग ग्रामीण लोग स्वयं खुद कर रहे हैं। भैया अब खिजाई घटे 10-9 दिन में बना दल जाए राशन कार्ड, एक को ना बनल हमारे गाँव में। मुखिया जी का फोन जाके सब पैसा जमा कोई ना चल का राशन वाला, मुखिया जी उनका बांध के वैसा जगह फेंकल है जो ना ब्लॉक में बा न SDO के यहाँ बा, कुछ नहीं है। न क्या चाहते हैं आप? क्या हम अपना गांव का थोड़ा बहुत सा विकास तनी मनी बेसी ना तनियो मनी हो जाए। कोरोना काल में जो मास्क सैनिटाइजर साबुन का वितरण किया गया था आपको मिला? गाँव में तो कोई गरीबे नहीं किया तो मिला कहाँ से? सैनिटाइज भी नहीं कराया गया? कोई भी कोई काम नहीं हुआ है हमारे गाँव में, सेंट्रलाइज भी नहीं, कोनो काम नहीं था भैया। भैया हम साँच कहते नहीं है, देवी देवता का स्थान पर कहते नहीं, ये हमारा गांव को जन दशा बा तो भगवाने भरोसे हमने के काम चलता है। विधायक से आ BDO से CO से नहीं क्या चलती, अब कि है नया सा कलेक्टर साहब आइल बनी तो इनको पर भइल जे कुछ कर रहे हैं तो यहाँ क्या का जने का करे का धरे। अच्छा, वोट देने का अधिकार आप लोगों को पंचायत चुनाव में है या नगर निकाय में है? ए भैया हम वोट MPA में या MLA में कनी के चार जता सन दौड़ दौड़ के जाए वोट लिस्ट में बा है दल आउर हम वोट तनि कहनी से जिला परिषद के देती सन, तनि मुखिया के देती सन, तनि वार्ड के देती सन, सौखे रह गई जे तनि हमनियों के वोट एमे गिरती से सब गाँव में गिरता और ऐसा भल जो शौक शौखे में रह गई वोटे नहीं खींचा दिले वार्ड हम पूछे जा कौना वार्ड में बढ़ो तो कहनी सन वार्ड का भरल जाओ दादा तो वही छोड़े नहीं सन, ब्लॉक में से खेदानी सन तो SDO के यहाँ जानी सन, SDO के खेदेले तो ब्लॉक में जानी सन, अब हम सबसे थक गई बनी सन। हमार गाँव जो अब हाल भल बा गाँव के जो हद हो गई। कुछ दिन पहले हम लोग का गाँव जो है कुछ दिन पहले टेगरा पंचायत से जुड़ा, लेकिन जो भी मुखिया के तरफ से फंड आने चाहिए वो कुछ मजबूरी वश नहीं भेज पा रहे हैं। उन्हें से बात करने पर बता रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन हमको अभी मदद नहीं कर पा रही है, कुछ वजह है, कई सारे बात निकल कर। महाराजगंज का एक गांव है जगदीशपुर, जो कि पहले नॉन पंचायत था, किसी पंचायत में नहीं था, साल भर पहले पता चल रहा है कि आपके पंचायत में जुड़ा है, अभी विकास की क्या स्थिति है? विकास की स्थिति वहाँ एकदम दयनीय है, केवल जोड़ने के लिए मुंह से या कलम से जुट गया लेकिन साइड नहीं खुल रहा है। कई बार SDM से बोले हैं, सब गांव के लोग से भी वहां DM के पास अपना खबर पहुंचाए हैं, कोई जैसे उपाय लगा के उसकी साइड खोलिए कि हम प्रगति की तरफ ले जाएं। हम वादा किए हैं कि जब भी साइड खुल जाएगा तो अब 5 साल की काम 1 साल में करके दिखा दूंगा, लेकिन साइड न खुलने की वजह से मैं भी बाधित हूँ। मतलब कि फंड है, सब कुछ है, लेकिन ऊपर से साइड नहीं खुला? नहीं खुला, साइड नहीं खुला। उस दिन DM साहब से बात हुआ इसी से कि कैसे वहाँ पे प्रगति होगा, कैसे कहा होगा, तो उन्होंने बोला कि नल जल का पैसा हम आपको खाते पर टैक्स भेजेंगे, जाकर करेगा कह दिए, लेकिन आया नहीं। देखिए किसी भी
आश्वासन दिया है तुरंत पैसा जाएगा, नल जल का वहाँ कराइए, जब भी आएगा हम तैयार हम करने के लिए, उसके इंतजार में हूँ कि कब आए तो वहाँ संपर्क शुरू करें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अजय राम राय, टेकड़ा पंचायत के मुखिया।